धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 मार्केट में SCO 57 में स्थित QRS सेंटर में मनुष्य की अनेक बीमारियों का समाधान अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किया जा रहा है। सेंटर इंचार्ज डॉक्टर हरविंदर कौर ने बताया कि आधुनिक मशीनों द्वारा सर्वाइकल, कमर दर्द, रुक रुक कर पेशाब आना, मसल्स वीक, वैवाहिक जीवन सही तरीके से न चल पाना, पुरुषों में SUIED की समस्या, मोटापे की समस्या जैसी कई अन्य बीमारियों का समाधान भी QRS सेंटर सेक्टर 7 मार्केट में किया जा रहा है। ऐसे में यदि आप भी किसी शारीरिक समस्या से परेशान हैं, तो QRS सेंटर सेक्टर 7 मार्केट में स्थापित मशीनों का लाभ उठाएं और बीमारी से छुटकारा पाकर सुखद जीवन का आनंद पाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरविंदर है और मेरा सेंटर जो है SCO 57 सेक्टर 7 में स्थित है और हमारे यहाँ पे जर्मन में बनाई गई कुछ ऐसी आधुनिक मशीनें हैं जो कि हर बीमारी का इलाज करती हैं बिना किसी दवाई से। तो जैसे कि ये हमारी पेल्विक मशीन है जो कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 4 मशीनें हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस मशीन के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कमर दर्द के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि कमर दर्द से आज कल मुझे लगता है कि सभी लोग परेशान हैं, ठीक है। और इसका सिर्फ 10 सीटिंग में के ट्रीटमेंट से आपका जो कमर दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और दूसरा, जिन लोगों को बार बार पेशाब आता है या टेस्टिस का कोई प्रॉब्लम है या फिर पेशाब रुक रुक के आता है या फिर किसी का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, ये सारी जो दिक्कतें आती हैं हमारे पेल्विक फ्लोर में कमजोर मांसपेशियों की वजह से आती है। ये एक कीगल एक्सरसाइज मशीन है, इसको हम पेल्विक सेंटर बोलते हैं जो कि कीगल एक्सरसाइज करवाती है और ये हमारे इंटरनल मसल्स को डे बाय डे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है कि हमारे जो इंटरनल मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बिना किसी दवाई से हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और दूसरा, हमारी एक ये मशीन है, हमारी एक लेटेस्ट मशीन आई है जो कि मोटापे पे और घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि ये अगर कोई पेशेंट मोटापे के लिए आता है तो ये 30 मिनट में ये 1 किलो वजन कम करती है, ठीक। और दूसरा, ये जो हमारे हैंडल्स हैं ये नी पेन के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है, स्वेलिंग है या गैप आ गया है, किसी भी तरह का घुटनों से संबंधित कोई भी रोग है, तो ये यहाँ पे आप आइए, एक बार इस मशीन का आप यूज़ कीजिए और फ़ायदा उठाइए, तो आपको डेफिनेटली बिना किसी दवा और बिना किसी ऑपरेशन से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये मशीन स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें 2 तरह की सुविधाएँ दे रखी हैं। तो हम इस तरह से इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उसका RF लेवल बढ़ाते हैं, तो ये दोनों मशीनें स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो मशीन है इसे हम घुटनों पे अनुरोध करती हूँ, तो एक बार यहाँ पर आकर आप इन मशीनों का लाभ उठाइए और हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। मैम, जो QRS सेंटर में पेल्विक मशीनें हैं, किस प्रकार का जो लोगों को लाभ देती हैं जो कई तरह की बीमारियों से, समस्याओं से जूझ रहे हैं? जी, हमारे पास मॉडर्न जर्मन टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा मशीन हमारे पास है जो कि कीगल एक्सरसाइज करवाता है। कीगल एक्सरसाइज अगर हम मैन्युअली करते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल होता है, 2 या 3 मिनट, मैक्सिमम हम 5 मिनट बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। बट जो हमारे पास पेल्विक सेंटर है, पेल्विक मशीन जो है वो कीगल एक्सरसाइज करवाता है। अगर हम 5000 बार कीगल एक्सरसाइज करेंगे मैन्युअली और 25 मिनट का सिटिंग इस मशीन का लेंगे तो दोनों इक्वल हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा इसका कमर दर्द के जो पेशेंट होते हैं, जिनको कमर में दर्द बहुत टाइम से बना हुआ है, वो मात्र 10 सिटिंग में ये ठीक कर देता है। तो सेंटर कितने बजे खुला रहता है, सुबह से शाम तक? ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है।
तो और किस किस प्रकार की हमारे यहाँ मशीनें हैं जहाँ से, जैसे आपने अभी कमर दर्द का बताया, सर्वाइकल का बताया, जी जी जी, और किस किस प्रकार की बीमारियों से? देखिए, जिन लोगों को, पुरुषों को खासकर बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, रात में कई बार उन्हें उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल और दिक्कत वाला हमें मतलब कि समय होता है। हम बार बार, जैसे सर्दी अब आ रही है, सर्दी में बार बार उठना बहुत मुश्किल होता है, खासकर बुजुर्ग के लिए। बट ये जो कीगल एक्सरसाइज मशीन है, ये कीगल व्यायाम करवाती है और हमारे मसल्स को इंटरनल स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे ब्लैडर कमजोरी, ब्लैडर में कमजोरी आने की वजह से जो ब्लैडर है वो बार बार पेशाब उसकी वजह से आना शुरू हो जाता है। तो कहीं दवाइयों की जरूरत तो नहीं पड़ती मैम? नहीं, एक्सरसाइज से काम चल जाता है। ये कीगल व्यायाम जो है हमारे इंटरनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे ही हमारे इंटरनल मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे एक अंदर एक एनर्जी का पैदा होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है और धीरे 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 हम बिना किसी दवा से ठीक होने लगते हैं। और पुरुषों में प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन के बाद भी दिक्कतें आती हैं, ये उस चीज़ को भी ठीक करता है। और एक और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे कि आजकल का जो दिनचर्या है, खान पान है, या फिर कुछ भी हम व्यायाम नहीं करते, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा मानव जाति की जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, इंटरनल मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं और तरह तरह की हमें अंदरूनी बीमारियां लग जाती हैं। ये मशीन उन सभी बीमारियों को बिना किसी दवा से ठीक करती है। तो लगभग कितना टाइम रहता है मैडम, जो मशीन पे बैठना पड़ता है या जो सिटिंग लेनी पड़ती है, कितने मिनट की एक सिटिंग होती है? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा? जी, ये लगभग लगभग आपका 25 मिनट का सिटिंग रहता है, जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। डेली कितने दिन लेना चाहिए कि लगता है? जी, ये अलग अलग पेशेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट कितने साल पुराना बीमार है, 10 साल से बीमारी से ग्रसित है, 20 साल से है, या अभी नए नए वो मतलब कि उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। अगर कोई न्यू पेशेंट है कि कहता है कि मुझे अभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो उनके लिए मात्र 10 से 15 सिटिंग मैक्सिमम रहती हैं। और जो लोग, मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो 14 साल से लेके 20 25 साल से बीमार हैं, वो मात्र इस पे बैठने से, 25 मिनट की सिटिंग लेने से वो ठीक हो गए हैं। अभी लेटेस्ट एक मेरी पेशेंट आ रही थी करनाल से, उनका कहना ये था कि मैं 8 साल से चल ही नहीं पाई, कमर दर्द से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, पर जब वो यहाँ पे आई और उन्होंने एक सीटिंग लिया, उसके बाद ही उन्होंने मुझे बोला कि आज मैं मैडम इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज पहली बार 8 साल के बाद चल रही हूँ, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जैसे एक बच्चा चलता है, तो मुझे वो वाली खुशी फील हो रही है कि मैं आज चल पा रही हूँ। अदरवाइज मैंने जो मेरी उम्मीद थी चलने की कि मैं चल पाऊँगी कभी, वो मैं खो बैठी थी। यहाँ आने के बाद वो 10 सिटिंग में बिल्कुल ठीक हो गई। उनको क्या दिक्कत क्या थी? उनको कमर दर्द था बहुत सालों से। थैंक यू जी।